Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्योंकि अगर इसी का नाम जमहूरियत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाएं, पाकिस्तान की अदलिया का मजाक उड़ाएं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप बात करें और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप इस हद तक बात करें कि बांग्लादेश आपको याद आ जाए। फौज के खिलाफ बयानबाजी और अदलिया का मजाक उड़ाना जमहूरियत नहीं। शेख रशीद का कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में जमहूरियत को शदीद खतरा है, हमने कुर्बानियां चोरों और लुटेरों के लिए नहीं दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना होंगे, 3 नवंबर को नैब कोर्ट में पेश होंगे, कहते हैं माइनस प्लस का फैसला आवाम करते हैं, फर्द वाहिद नहीं। कुरम एजेंसी में पाक अफगान सरहद 17 रोज बाद तजारत के लिए खोल दी गई, सरहद 15 अक्टूबर को बारूदी सुरंग के धमाकों के बाद बंद कर दी गई थी। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में ट्रक ड्राइवर ने साइकिल ट्रैक पर राहगीरों को कुचल दिया, 8 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए, मरने वालों में गैर मुल्की भी शामिल। पुलिस ने हमला आवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, 29 साल सैफुल्ला का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। मेयर बिल डी ब्लेज़ियो ने न्यूयॉर्क हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया, कहा हमले में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया, तशद्दुद और खौफ से हमारा अज़्म कमजोर नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क हमला पागलपन है, मशरिक वुस्ता में दाइश को शिकस्त देने के बाद उसे अमरीका में दाखिल नहीं होने देंगे, बस अब बात हो चुका, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जर्मनी में अवामी मकामात पर हमलों का मंसूबा नाकाम, 19 साल शामी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया, जर्मन वजीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी इंटरनेट पर निगरानी के बाद अमल में आई। पंजाब में रास्ते आज भी धुंध में गुम, मोटरवे पर बाज मकामात पर हद निकाह सफर हो गई, स्मोक के बाइस आंखों में जलन, गले में दर्द की शिकायत, दमे के मरीजों की मुश्किलात में भी इजाफा। गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, पेट्रोल 2 रुपए 49 पैसे, मिट्टी का तेल और डीजल 5-5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया, नोटिफिकेशन जारी, आवाम नाला। कीमतों में रोज़ बरोज जो है महाना बहाना जो है कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और ये हुकूमत को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये तो सरासर इंसान के आवाम के साथ ज्यादती है, रेट पेट्रोल के बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में तदरीस बहाल, एहतजाजी तलबा ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली, तहम बरतरफ तलबा की बहाली तक एहतजाजी कैंप कायम रहेगा।